लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये प्रेजेंटेशन है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, नेम ऑफ द चैप्टर एग्रीकल्चर एंड टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ रहेंगे कंटेंट क्रिएटर बशीर अहमद गुजरी। फॉर एनी डाउट्स, क्लेरिफिकेशन, सजेशंस, यू कैन राइट इन द कमेंट कॉलम। The importance of agriculture in Indian economy can be understood under various headings like share in national income, employment providing sector, contribution to industrial development, contribution to international trade, contribution to economic planning, contribution to economic growth, contribution to revenue, and contribution to internal trade and transport. Let's go to these one by one. तो चलो देखते हैं, व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम अगर 1950-51 में देखते हैं तो इट वाज अराउंड 59.2%, बट ग्रेजुअली इट ड्रॉप्ड टू 21.7% इन 2005-06 जब हम प्राइसेस लेते हैं 1999-2000 के। एंड एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम इज अराउंड 15%। यहां जरूरत है कि हम दो फैक्ट्स याद रखें। पहला कि एग्रीकल्चर जो है इट स्टिल फॉर्म्स ए गुड शेयर ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, और दूसरा है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम has been decreasing continuously. The share of manufacturing and service sectors are increasing as required for economic development. Share of agriculture in employment providing sector. आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों के लिए source of livelihood एग्रीकल्चर है। 1950-51 अगर देखते हैं तो 70% जो वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की थी दैट वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और दिस परसेंटेज हैज मार्जिनली फॉलन टू अराउंड 57% एट प्रेजेंट। और अगर हम मोस्ट इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज लेते हैं तो ये परसेंट जो है इट जस्ट वेरीज बिटवीन 2-7%। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारी बहुत सारी स्मॉल स्केल और कुटीज इंडस्ट्री जैसे हैंडलूम है, ऑयल क्रशिंग है, राइस हस्किंग है, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल्स। डेवलपमेंट जो इंडिया की इंडस्ट्री का है to a large extent depends on agriculture. Agriculture has been the major supplier of raw materials to basic industries like jute, textile, sugar, vanaspati, etc. Sare industrial workers depend on agriculture for their essential consumption requirements. Moreover, agriculture also provides market for industrial products. Contribution of agriculture to international trade. For a number of years, India ke exports mein proportion of agricultural goods jo raha, that remained around 50%, or manufacturing with agricultural content contributed another 20%. Aur agar aggregate mein dekha jaye, 70% इंडिया का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर से ही रहा। 2005-06 की बात करते हैं तो इस साल 10.2% इंडिया का एक्सपोर्ट जो था दैट केम फ्रॉम द एग्रीकल्चर। और मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है टी, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल्स, बिसाइड शुगर, कॉफी, टोबैको, ऑयल सीड, स्पाइसेस। एग्रीकल्चर की ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट
as it helps the country to pay for increased imports of raw materials and capital goods like machinery. Contribution of agriculture to economic planning. एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस अगर देखनी हो नेशनल इकोनॉमी में तो कुछ फैक्ट्स यूं है। एग्रीकल्चर एक मेन सपोर्ट है इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, क्योंकि रेलवेज और रोडवेज जो है दे सिक्योर बल्क ऑफ देयर बिजनेस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। और एक बात याद रहे कि अगर क्रॉप्स अच्छे हो यानी अच्छी फसल हो, employing large purchasing power with the farmers, तो इससे क्या होता, it leads to greater demand for finished goods and therefore better price. इसी तरह अगर crops fail हो जाए इसे क्या होता है, depression in business. It means it is a failure in agriculture front that may lead to failure of economic planning in the particular periods. Contribution of agriculture to economic growth. Second 5-year plan or third 5-year plan ke dauran agriculture sector fail hua and it spelled disaster to entire planning process. To Indian planners ne ye sikha कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शुड बी गिवन ग्रेटर एम्फेसिस इन इंडिया और कैपिटल आउटपुट जो है इज नॉट वेरी हाई इन एग्रीकल्चर एंड टू अचीव अ रैपिड इंक्रीज इन इनकम अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन एग्रीकल्चर। और एक बात याद रहे कि रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है इट कैन बी हाई फॉर द कंट्री ओनली इफ द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज हाई इन एग्रीकल्चर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू रेवेन्यू। फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फाइनेंसेस खास तौर पर स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंस जो है दे लार्जली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। क्यों? बिकॉज दिस agricultural taxation is a source of revenue of the state governments. Contribution of agriculture to internal trade and transport. India jo zyadatar ek agricultural country hai, yahan ki internal trade bhi zyada depend karti hai agriculture pe hi, kyunki yahan ka jo ट्रेड सिस्टम है इट इज मेनली इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। कंट्रीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, चाहे वो रेलवे हो या रोडवेज हो, बोथ सिक्योर द मेजर पोर्शन ऑफ देयर बिजनेस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग टू कंज्यूमिंग प्लेसेस। Thank you for listening to this presentation patiently. For more such presentations, subscribe the YouTube channel Bashir Gujri.